Hello all the students, hope you all are doing good. So today I am back with another grammatical topic, which is prefixes and suffixes. Prefix and suffix के बारे में बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, but जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका concept यहाँ पे बिल्कुल clear हो जाएगा. तो अव्यय और प्रत्यय, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं prefix क्या होता है. Prefixes हमारे English grammar में एक ऐसे सेट ऑफ लेटर्स को कहते हैं, कुछ ऐसे अक्षरों के समूह को, जिनको हम कहाँ ऐड करते हैं, उनको हम ऐड करते हैं मेन वर्ड में पहले, यानी कि किसी भी वर्ड के पहले जब हम किसी कुछ सेट ऑफ लेटर्स को ऐड करते हैं एक न्यू वर्ड बनाने के लिए, जो कि उस पहले वाले वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है, तो हम उसको प्रीफिक्स कहते हैं. तो बेसिकली यहाँ क्या बताया कि किसी भी वर्ड में जब हम उसके आगे कुछ सेट ऑफ लेटर्स को ऐड करेंगे और उस लेटर्स को ऐड करने के बाद जब वो उस पुराने वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स या अव्यय. और इसके एग्जांपल से समझेंगे. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, एंटी, डी, डिस, एम, एन, फोर. तो हर का मीनिंग अलग होता है, हर प्रीफिक्स का भी मीनिंग होता है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के लगा देंगे तो वो एक न्यू वर्ड बन जाएगा, नहीं. जैसे एंटी, एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट. जैसे वायरस एक वर्ड है, उसके आगे अगर हम एंटी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंटी वायरस हो जाएगा. तो ये एंटी क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ. उसी तरीके से बहुत से एग्जांपल, जैसे डी, डी का हम बेसिकली यूज़ करते हैं, डी ई का, किसी भी चीज़ को अपोजिट या उल्टा बताने में. जैसे कंपोज के आगे अगर हम डी ई लगा देंगे तो वो डी कंपोज हो जाएगा और उस कंपोज वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. तो ये तो था प्रीफिक्सेस. अब देखते हैं सफिक्सेस क्या होता है. सो हियर वी गोज विद द डेफिनेशन. सफिक्सेस एक ऐसा सेट ऑफ लेटर्स है विच वी ऐड एट द एंड ऑफ द मेन वर्ड. यानी कि जैसे हम प्रीफिक्स में वर्ड के पहले कुछ लेटर्स लगा रहे थे, सफिक्स में हम ठीक उसका ऑपोजिट करेंगे. क्या, कि इसके बाद में कुछ लेटर्स लगाएंगे जिससे कि एक नया वर्ड भी बनेगा और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. ओके, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं. सफिक्सेस के कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, लाइक एज, एंस, एंट, डबल ई, एंस, और. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने बताया आप लोगों को काउंट के आगे अगर हम एबल लगा देते हैं तो वो काउंट एबल, मतलब कि कोई, एबल का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ करने में सक्षम. तो काउंट के आगे हमने क्या लगा दिया, काउंटेबल, तो वो क्या बन गया, काउंटेबल बन गया. ठीक है, अब जैसे लेस, लेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना. जैसे मान लो केयर बोला मैंने, तो केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान. अब मैं बोल दूँ केयर लेस, यानी कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फिर केयर लेस बोलेंगे. ओके, तो ऐसे बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं किसी सुटेबल वर्ड के साथ टू चेंज द मीनिंग एंड ऑल्सो टू मेक अ न्यू वर्ड. तो यही था सफिक्स एंड प्रीफिक्स. अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे, उसको आपको मैं डिटेलिंग में नहीं, सिर्फ समझाऊंगी. इसी के साथ एक होता है एफिक्स. एक क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों हमने लगा दिया एक वर्ड में तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे कि प्रीफिक्स कहेंगे. तो जब हम किसी वर्ड में दोनों लगाते हैं, यानी कि सफिक्स भी लगाते हैं प्रीफिक्स भी लगाते हैं, तो वैसे वर्ड को या वैसे लेटर्स को, सेट ऑफ लेटर्स को हम एफिक्स कहते हैं, जहाँ पर हमने बोथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स का यूज़ किया है. जैसे एग्जांपल, काउंट,
काउंट में अगर हम अन लगाते हैं तो वो अनकाउंट होता है, और अगर हम एबल लगाते हैं तो काउंटेबल होता है। बट अगर हम दोनों एक साथ लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, अनकाउंटेबल। यानी अनकाउंटेबल में सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, तो इसीलिए ये क्या होगा, एफिक्स कहलाएगा। तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना था सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बेसिक। अगर आप लोग इसका मीनिंग समझ लेंगे कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते क्या हैं, इसके कुछ एग्जांपल समझ लेंगे। एंड यस, एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेट ऑफ लेटर होगा, कोई भी ऐसे ही कुछ भी ई वाई ई कुछ भी हम नहीं लगा सकते हैं, उस लेटर का प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। अगर हम एंटी लगा रहे हैं तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अगर हम डी लगा रहे हैं तो डी ई का मतलब होता है अपोजिट। अगर हम डिस लगा रहे हैं तो उसका मतलब होता है नॉट या अपोजिट ऑफ। तो जो भी सेट ऑफ लेटर्स हम यूज़ करेंगे, इट हैज़ टू बी अ सुटेबल मीनिंग ऑफ दैट। ओके, सो दीज आर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को करना क्या है, टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, इसके एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिएगा एंड उसको वर्ड बनाना शुरू कीजिए। जैसे एक प्रीफिक्स से 5-6 अलग अलग तरीके के वर्ड्स अगर आप बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो समझ आया हो तो बताइएगा कॉमेंट करके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।